आज मैं बना रही हूँ आलू स्प्राउट की सैंडविच। इसको आप बहुत आसानी से बना पाएंगे घर पर और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है और एकदम हेल्दी। तो वीडियो पूरा देखिए। नमस्कार, भूमिज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। यहाँ पर मैंने स्प्राउट ले लिया है 1 कप और 2 उबला हुआ आलू। तो स्प्राउट को जो है मैंने 1 व्हिसिल के लिए उबाल लिया था आलू के साथ ही। अभी हम इसमें डालेंगे नमक। अभी इसमें 1/2 चम्मच के करीब हल्दी डालेंगे और 1 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर। अभी 1 चम्मच के करीब चाट मसाला पाउडर। इन सभी को मैश कर लेंगे अच्छे से। मैं इसके लिए मिक्स स्प्राउट का इस्तेमाल कर रही हूँ, जैसे कि मूंग और काला चना और मूंगफली का। अगर आपके पास कोई भी एक तरीके की जैसे मूंग या फिर चने का स्प्राउट है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं उबाल के। अभी इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और स्टफिंग जो है हमारा रेडी हो गया है। तो स्टफिंग को अलग से रख लेंगे। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, स्प्राउट कैसे बनाते हैं उसका लिंक है, वीडियो देख सकते हैं। अभी यहाँ पर मैं ब्रेड स्लाइस ले लूँगी 4। तो ब्रेड स्लाइस के ऊपर ऐसे हरी चटनी जो है, हरी चटनी बना करके मैंने रख ली थी और हरी चटनी को फैला लेंगे 1 स्लाइस के ऊपर। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहे तो वहाँ पर जाके क्लिक करके देख सकते हैं। और यहाँ पे आलू और स्प्राउट का जो स्टफिंग था इसको अच्छे से फैला लेंगे। अभी एक समान फैलाने के बाद अभी जो दूसरा स्लाइस है इसमें हम 1 स्लाइस में डालेंगे कुछ सब्जियां और 1 स्लाइस में डालेंगे टमाटो केचप। तो ये वाला स्लाइस में मैं डाल रही हूँ खीरा, टमाटर और प्याज का स्लाइस। अभी सब्जियां को अच्छे से डालने के बाद इसमें हम डालेंगे टमाटो केचप। ब्रेड का जो किनारे का हिस्सा है अगर आप नहीं खाना चाहें, आपको पसंद नहीं है तो उसको छुरी से हटा सकते हैं काट के। तो ऐसे एक के ऊपर हम 1 स्लाइस रख लेंगे। और अभी यहाँ पे नॉनस्टिक पैन जो है मैंने गर्म करने के लिए रख दी थी और इसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीब बटर। और अभी इस समय जो है आपका गैस का फ्लेम मीडियम रखें और इसको दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक मीडियम फ्लेम में इसको सेक लेना है। तो बिना कोई आपको सैंडविच मेकर से आप तवे पर बहुत ही आसान से बना सकते हैं ये वाला सैंडविच। तो दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक इसको सेक लेना है और मीडियम फ्लेम में ही इसको सेक लें। अभी एकदम हो गया है क्रिस्पी और इसको मैं निकाल के सर्व करके आपको दिखाती हूँ कि कैसा बना है हमारा सैंडविच। तो एकदम टेस्टी बनता है ये वाला और बच्चे भी बहुत बहुत पसंद करते हैं और हेल्दी भी है। अगर आप ये 4 स्लाइस जो है 1 लोगों के लिए काफ़ी हो जाएगा ब्रेकफास्ट के लिए। तो इसको हम काट लेंगे 2 हिस्सों में, तो काटने से जो है खाने के लिए आसानी होगा। अभी देखिए एकदम मस्त बना है सैंडविच। तो वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।